सो मैंने भी आपको क्या बताया फर्स्ट चैप्टर में कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने हमारी कंट्री में फाउंडेशन कब रखी, बैटल ऑफ प्लेसी जो कि 1757, ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी 1757 अभी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तब से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे। चलिए, द मेन पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी मतलब हमसे सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे, हमारे रिसोर्सेज सब कुछ अपने आप को अपने कंजम्पशन के लिए सारी चीज़ें वो कहाँ से लेके आते थे, हमारी कंट्री से, ठीक है। फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। अभी आप आगे पढ़ोगे उन्होंने क्या करा, दे एक्सप्लॉइट आर नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। एंड फिर 200 साल के बाद फाइनली हमें क्या मिला, इंडिपेंडेंस। यस, ये चैप्टर हमें ब्रीफ लेआउट किस चीज़ का देता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी और क्यों वो वैसी थी। मतलब एक टाइम था अपनी कंट्री को बहुत प्रॉस्परस मानते थे पहले, फिर ऐसा क्या हो गया जो हमारी कंट्री इतनी अंडर डिवेलप चली गई, फिर बाद में धीरे धीरे अभी भी डिवेलपिंग है, तो वाई इज इट सो। सबसे इम्पोर्टेंट आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में हमारी जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट था उसका रीज़न, नंबर वन अभी हम फीचर्स बताएंगे ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी कंट्री के क्या क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी कंट्री के। नंबर वन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हम कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, जहाँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे बट वी वर इंडिपेंडेंट, ठीक है। एज वेल एज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट इज एग्रेरियन, ये तो आपको पता ही है कि वॉट बेसिकली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम एग्रेरियन कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर एग्रेरियन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, कितनी, अबाउट 2/3। देन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अभी हमने बात करी हम प्रॉस्परस थे, हम एग्रेरियन थे, और तीसरा क्या है, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास कौन सी इंडस्ट्रीज थी, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। कौन कौन सी, स्पेशली कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशर स्टोनवर्क। मेनली आप ये पढ़ोगे कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल हमारे यहाँ बहुत फेमस हुआ करता था उस टाइम। तभी आपने देखा होगा जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कोलकाता मुंबई इन पे ज़्यादा कैप्चर किया क्योंकि वहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। तो ये तीनों फीचर्स क्लियर होगा। पहले बताओ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट हम पढ़ रहे हैं अंडर ब्रिटिश रूल, हमारे इंडिया की क्या, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इंडिया कैसी थी, इंडिया नहीं, इंडिया कैसी थी, प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन थी, और तीसरा क्या था, एग्रेरियन थी, प्रॉस्परस थी, और क्या था, हैंडीक्राफ्ट, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएडेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे आए तो ये नहीं कि वो हमारे भले के लिए आए थे, नहीं, वो कोई भी पॉलिसी कुछ भी बना रहे थे वो किसके लिए बनाते थे, बेसिकली अपने लिए, कि जिससे कुछ किसको बेनिफिट होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को, भाई वो हमारे लिए थोड़ा आए थे यहाँ पर, वो अपने बिजनेस के लिए आए थे, तो उन्हें क्या, उनका एम क्या था बेसिकली, कि उन्हें प्रोटेक्ट और प्रमोट किसको करना है, देयर सेल्फ इंटरेस्ट, दे हार्डली बॉदर अबाउट इंडिया, ठीक है। अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पता, डी मतलब डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नाम के लिए थी, कौन कौन सी थी, हैंडीक्राफ्ट थी बेसिकली, उसे भी इन लोगों ने बंद करवा दिया था, कैसे, अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा एक बात और बताती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया का जो यूज़ किया वो दो तरीके से किया, या उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर वन, दे मेड इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटिशर्स। इंडिया को क्या बना दिया उन्होंने, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटिशर्स एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस, और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन एट हायर प्राइसेस। क्या बनाया उन्होंने हमें, हम एक्सपोर्ट तो क्या करते थे, रॉ मटेरियल जो सस्ता होता था, इम्पोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स ब्रिटेन से जो कि महंगा होता था, बेनिफिट किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को। आई बात समझ में, ये जो दो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि इंडिया बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ये पूरे आप इस चैप्टर में लास्ट तक यही पढ़ोगे, तो ये दो फीचर्स इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझ, वरुण समझ में आ गया, पूछूंगे भी क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं हम, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम, ये हम बहुत ध्यान से पढ़ना। एक बात और मैं आपको बता दूँ, चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑल 3 आर इंटरलिंक्ड,
हम एक सीरीज से पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, फिर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस से लेकर 1990 तक का, क्योंकि लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था, 9th में पढ़ा था ना, पढ़ा था 10th में, सॉरी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 10th में चैप्टर है, तो वो 1991 के बाद वाला हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जिसमें हमारा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ। सो अब हम ये पढ़ेंगे बेटा, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पहली बार बताओ नेशनल इनकम क्या होती है, पता है सबको क्या होती है नेशनल, मुझे एक बार पेन देना। तो बेटा नेशनल इनकम क्या होती है देख लो प्लीज, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, टोटल इनकम किसकी, ऑफ पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ होल पॉपुलेशन, होल वर्किंग लिखूंगी, क्योंकि इनकम तो वही होगी ना जो वर्किंग होंगे, जो आप जैसे नॉन वर्किंग हो तो क्या आपकी कोई इनकम होती है, नो। तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ होल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, अच्छा वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि नेशनल इनकम कंट्री की तो होती है। अब हमने एक और टर्म, एक तो नेशनल इनकम पढ़ी, वैसे नेशनल इनकम होती क्या, सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं, जिस हमने मैक्रो में पढ़ी थी, व्हाट इज नेशनल इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन ईदर विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, कहीं पे भी अर्न करे बट शुड बी अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। बट अगर हम इसको सिंपल टर्म में बोलें, हाँ, और अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो क्या है, जितनी हम पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में उन सबकी इनकम को प्लस कर दो, आ गई हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। अब एक और टर्म हमने पढ़ी पर कैपिटा इनकम, क्या पढ़ी बेटा पर कैपिटा इनकम, इसका एक और नाम है, क्या कोई बताएगा मुझे क्या होता है पर कैपिटा इनकम का एक और नाम, एवरेज इनकम, इट इज ऑल्सो नोन एज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इसका आपको कंसेप्ट पता है, इन दोनों का कंसेप्ट समझ लो एक बार, नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन बता दिया। अब एक बात समझो आप, नेशनल इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, तो नेशनल इनकम में सबकी इनकम, अगर सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, ये मानो 10 लाख, अभी मैं सिंपल करने के लिए 10 लाख ले रही हूँ, सपोज 10 लाख पॉपुलेशन है अगर हमारी कंट्री की सपोज, तो क्या 10 की 10 लाख वर्किंग है, सपोज उसमें से 7 लाख वर्किंग है, कितने वर्किंग है 7 लाख, बच्चे बूढ़े सब आ जाएंगे क्योंकि, तो यानी कि इनकम तो है 7 लाख की, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं उसको, 10 लाख से करते हैं, भाई डिवाइड तो टोटल पॉपुलेशन से कर रहे हैं, लेकिन इनकम नेशनल इनकम कितने लोगों की हमारे पास 7 लाख की। तो कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ती रहती है बट जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है, फॉल होता है ऐसा। नेशनल इनकम अगर आप पढ़ोगे डेटा देखोगे ना नेशनल इनकम का, एवरी ईयर बढ़ती है तो हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह नेशनल इनकम बढ़ रही है बहुत अच्छा है, भाई हमारी पॉपुलेशन हर बार बढ़ जाती है तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, वो उस लेवल से नहीं बढ़ रही है या वो फॉल होती है, आई मेरी बात समझ में। तो हमें बेनिफिट कब होगा, जब हमारी पर कैपिटा इनकम राइज होगी, मेरी बात समझ में आ गई, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया नेशनल इनकम का, वॉट इज नेशनल इनकम बेसिकली, टोटल इनकम ऑफ होल वर्किंग पॉपुलेशन, बट वर्किंग होती है कम और डिवाइड हम इसको कर रहे हैं तो डेफिनेटली कम आएगी ना एवरेज इनकम, यही रीजन है हमारी कंट्री में पुअर ज्यादा है, जो लोग अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते, अभी बात समझ में। और ये ऐसा क्यों होता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से। अब यहाँ पर जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि कितनी हमारी उस टाइम नेशनल इनकम थी या कितनी हमारी पर कैपिटा इनकम थी इस टाइम पे, फिर आगे पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी हो गई, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर लिबरलाइजेशन कितनी हो गई, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नॉर्मली पहले अगर आपको पता हो कभी, पहले नेशनल इनकम यूज किया जाता था किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जज करने के लिए, बट नाउ अब तो काफी सालों से क्या यूज करते हैं हम लोग, पर कैपिटा इनकम, क्योंकि सही इंडिकेटर कौन है, सही इंडिकेटर में कौन करता है कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, पर कैपिटा इनकम, आई बात समझने वाली, ये थोड़ा सही इंडिकेट कर रहा है, तो बढ़ेगा ही हर बार क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बढ़ेगा, लेकिन एवरेज इनकम जब पर हेड हमारी कम होती आ रही है अवेलेबिलिटी,
ये प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए। हाउएवर नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिशर्स क्यों मेहनत करेंगे हमारे लिए, क्यों वो हमारी नेशनल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्यों उसको बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स आर मेड बाय एक्सपर्ट्स, इनके नेम थोड़ा सा पढ़ लेना, दादा भाई नवरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शिराज, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई, बट ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। इसका क्या मतलब है, इन लोगों ने एस्टिमेट तो करा किसको, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को, बट सबके रिजल्ट बड़े फ्लक्चुएटिंग से थे। मतलब एक का अगर नेशनल इनकम बढ़ता हुआ दिखा रहा है तो दूसरे का नेशनल इनकम फॉल होता हुआ दिखा रहा है, तो ऐसा कभी हो सकता है? तो यानी कि ट्रस्टवर्दी किसी का भी अटेम्प्ट नहीं था, किसी की भी स्टडी ट्रस्टवर्दी नहीं थी, रिजल्ट बड़े इनकंसिस्टेंट थे कि चलो दो साल इस बार नेशनल इनकम बढ़ी फिर घट गई, फिर बढ़ी फिर घट गई, ऐसा नहीं होता। या तो कुछ टाइम तक बढ़ेगी, कुछ टाइम घटेगी, कुछ ऐसा होता है। तो ये इन लोगों के जो अटेम्प्ट थे वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि किसी के भी रिजल्ट आपस में मैच ही नहीं कर रहे। अगर आप बताओ, मैं आप सब चारों को एक ही न्यूमेरिकल देती हूँ, चारों के अलग अलग आंसर हैं, तो क्या मैं किसी के भी एक के सॉल्यूशन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं करूँगी ना, क्यों? क्योंकि चारों के ही आंसर अलग हैं। दो के भी मैच करते तो मैं कहती ना ये शायद सही हो सकता है ना, ये इनके साथ। हाउएवर एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर राव, जो आर के आर वी राव थे, और नेशनल पर कैपिटा इनकम वर कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। किसको इंपॉर्टेंस दी गई, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राव की स्टडीज को। मोस्ट ऑफ द स्टडी रिवील्ड दैट कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज लेस देन, ये याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ग्रोथ ये रहा, जीडीपी कितनी थी, लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ कितनी थी, ओनली 0.5%। प्लीज इसको बहुत 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 ध्यान से कर लेना, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि जब तक हम उनके अंडर थे, कितना बेटा जीडीपी लेस देन एंड पर कैपिटा, आगे बात समझ में, ये लेस देन 2% 0.5%। आगे आ जाओ, अब हम अलग अलग सेक्टर्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सबकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड यानी कि उन लोगों के आने से पहले, द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। डेफिनेटली हम आज रोते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली एडवांस नहीं है, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या हम टेक्निकली एडवांस थे? अभी हमने पढ़ा हम इंडिपेंडेंट थे, हम एग्रेरियन थे। इंडिपेंडेंट इसलिए थे क्योंकि हमें किसी को कुछ देना नहीं था, सिर्फ इतनी बात आई। प्रॉस्परस भी इसलिए थे कि जो हमारे नीड्स थे बस उनको, क्योंकि पहले अगर आपको याद हो कौन सी वाली फार्मिंग होती थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर, यानी कि उनका एम सेलिंग नहीं था, मार्केटिंग नहीं था अपने लिए। हाँ, तो इसलिए वो प्रॉस्परस थी, ना देना ना लेना वाली बात थी। आगे बात समझ में, तभी तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले, हमने राइस उगाए तुमने वीट उगाए, एक्सचेंज कर लो काम। अब सुनिए, इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। तो हम पढ़ चुके पहले भी कि ब्रिटिश रूल में भी कैसी थी, रूरल थी और एग्रीकल्चरल थे। अभी मैंने पढ़ा आपकी 1/3 ऑफ आर पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, बेसिकली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कितनी, 1/3। नियरली 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्री। सोचो, जबकि हमारी कंट्री एग्रीरियन थी, 85% मान सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, तब भी वो फूड ना तो फूड सफिशिएंट था ना ही रॉ मटेरियल, तो कोई तो रीज़न रहा होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ, भाई ब्रिटिशर्स भी कम थोड़ी ना थे। अब वही पढ़ोगे आप आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेन रीजन्स फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन था, बैकवर्डनेस थी, उसका क्या रीज़न था? नंबर वन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ाने से पहले मैं आपको लगान सबने देखी है, बस वही है समझ लो। जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, और जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ करता था बेटा, कि जो फार्मर है, जो ब्रिटिशर्स उन्होंने जमींदार अपॉइंट कर रखे हैं, और उस जमींदार को क्या काम दे रखा, बस कि इस डेट तक, डेट देते थे उनको डेडलाइन, इस डेट तक आपको लगान कलेक्ट करके लेके आओ। और वो जो लगान कलेक्ट करते थे ना, प्रॉफिट का पोर्शन नहीं होता था, फार्मर के पास कुछ खाने को बचे ना बचे, इतना लेके आना है तो लेके आना, चाहे वो खाने को उसके लिए ना बचे, ये क्या रीज़न है? नहीं, जितना प्रोडक्शन हुआ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहता था। तो अब सुनो ज़रा, और हाँ एक बात और बताना भूल गई,
जो जमींदार थे आपको लगता नहीं वो इतने मतलब क्रूअल होते थे? वो पता है वो पहले अपने मूवीज वगैरह में देखा काफी क्रूअल होते थे जमींदार, पता क्यों होते थे? क्योंकि वो जमींदार ब्रिटिशर्स ऐसे अपॉइंट करते थे कि वो उस विलेज के ना हो। आप किसी अगर आप अपने टाउन में जाओगे अपने विलेज में जाओगे कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है वहां से जगह से और लोगों से, तो जानबूझ के वो जमींदार ऐसे बनाते थे जिससे जिनका उस विलेज से लेना देना कोई ना, तो भैया बन जाओ क्रूअल। और एक टर्म एंड कंडीशन और होती थी, क्या होती थी कि इफ जमींदार आर अनेबल टू कलेक्ट एंड सबमिट टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स ऑन टाइम, अगर नहीं कर पाए टाइम पर, देन दे लूज देयर राइट्स एंड पावर्स। तो भाई जमींदार तो बहुत पावरफुल होते थे उस टाइम पे, तो वो नहीं चाहते थे उनकी पावर जाए, उनका राइट जाए, इसलिए वो क्रूअल होते थे, वो लगान कलेक्ट करके अपना ब्रिटिशर को दे देते थे। अब सुनो जरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान, यानी कि सॉरी वापस बता दीजिए, इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड,